पर देखने को मिला। FISDIS के आंकड़े दिखाएं तो FIS ने खरीदारी की है कैश मार्केट में 1,088 करोड़ की, DIS ने बिकवाली की है 333 करोड़ की। हमारे साथ शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हेड ऑफ रिसर्च रवि सिंह मौजूद हैं। रवि नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो क्या आउटलुक है कल के मार्केट के लिए? आज का कल का सेशन तो काफी कंसोलिडेशन थोड़ा सा प्रेशर वाला ही रहा, बट क्या व्यू कल के बाजार के लिए? दीपाली जी बिल्कुल, आपने 1,700 के नीचे क्लोजिंग करने की पे थोड़ा सा एक नेगेटिव यहां पर ट्रेंड बनता हुआ सा नजर आ रहा है। और डेरिवेटिव डेटा को अगर यहां पर एक बार एनालाइज करने की कोशिश करें तो अब 19,700 और 800 की कॉल पे जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है उसको देखते हुए यहां पर अब वो रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेंगे, लेकिन गिरावट बहुत ज्यादा नहीं है। थोड़ी बहुत गिरावट देखते हैं तो लेवल्स को ध्यान में रखें तो 19,620 ये लेवल तक आपको एक बार को गिरावट में ट्रेंड जाता हुआ नजर आ सकता है। तो एक मोटा मोटा जो दायरा है वो है 19,550 से 19,700 के बीच में, और रेंज बाउंड दायरा रहेगा। वापस से स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग जो है वो आपको बार बार देखने को मिलेगी।